चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि आई जी सुधा जी एक आई हम की बनावा है सुनो बैठे को जैसे मैं आज बैठा हूं ऐसे ही बैठने की सब तैयारी कर लें और जम के मेहनत करें और जम के प्रश्न पूछें, क्योंकि ये जो समण संघ जो लिखा हुआ है, ये जो संघ है इसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में चलता है और पूरी दुनिया इसको जानती है। आप जिस समण संघ के मेंबर हैं पूरी दुनिया उसको सम्मान दे देती है, उसको मानती है। ये जो वीदा पीपल लिखा हुआ है ये अमेरिका में बहुत चलता है, उनके संविधान में वीदा पीपल है। इसलिए आप अगर नेट खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि वीदा पीपल सिर्फ अमेरिका में है और भारत में है, मगर संघ पूरी दुनिया में है। संघ पूरी दुनिया में इसलिए है क्योंकि संघ हमारा बुद्ध से पहले था, बुद्ध ने इसके नियम बनाए और बुद्ध का जो 350 के करीब करोड़ लोग हैं, 3.5 अरब लोग, वो बुद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं और बाकी जो 7 अरब से ऊपर लोग हैं वो जानते हैं, यानी आधे जानते हैं और आधे मानते हैं। क्या कहते हैं? दिन रात कोरिया में, चीन में, जापान में, भारत में, थाईलैंड में, अमेरिका में, जर्मन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, संघं शरणं गच्छामि, तो संघ का नाम लेते हैं। मगर वो समण नहीं है क्योंकि वो भारत में पैदा नहीं हुए हैं। अगर वो भारत में पैदा होते, बुद्ध के वंशज होते, वो डॉक्टर अंबेडकर के वंशज होते, वो ज्योतिबा फुले के वंशज होते, वो पेरियार साहब के वंशज होते, वो सतनामी साहब के होते, वो संत गाडगे के होते, वो दुर्लभ नाथ महाराज के होते, वो कबीरदास जी के होते, वो रविदास जी के होते, तो वो समण होते। वो समण नहीं है इसलिए वो अपने आप को संघं शरणं गच्छामि तो बोलते हैं, मगर हम बोलते हैं समण संघं शरणं गच्छामि, यानी समण हैं हम। तो अचानक समण शब्द कहाँ से आया? बहुत सारे लोग सोचते हैं ये समण कहाँ से लेके आए, ये कहाँ से आ गया, अभी देखा। सब लोग जानते हैं कि समण शब्द कहाँ से आया और कैसा है, मगर अगर आपके कोट का नाम कोई पेंट कर दे तो आप उसे पेंट ही समझोगे, यानी कोट है मगर उसका पेंट बता दिया आपको तो पेंट समझोगे, तो इस समण का शरमण कर दिया, क्योंकि हमारी भाषा में शय शब्द नहीं होता, आधा रह नहीं होता, तो समण का उन्होंने शरमण कर दिया और श्रमण करके उसका अर्थ भी बदल दिया, यानी हमसे कह दिया कि ये जो तुम्हारा कोट है, अब ये पैंट और ये उल्टा पहनना, इसको सर पर डाल लो टोपी की तरह, ये और कह दिया हमसे। क्या कह दिया? श्रमण का मतलब होता है मेहनत करने वाला, श्रम करने वाला। और पुरानी जो भाषा है जो बाबा साहब ने 16वें वॉल्यूम में हमें दी है, बताई है कि इसको सीखो, 16वां वॉल्यूम है उनका। बाबा साहब तो दुनिया के सबसे चमत्कारिक व्यक्ति हैं, मतलब 1000 साल आगे तक का जानते हैं कि क्या क्या बदतमीजी होने वाली है, तो उसका जवाब भी दे के गए। बहुत सारे शब्द बदले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी गालियों बदल दी गई हैं। मैं तो ज़्यादा, मेरे पास तो ज़्यादा समय है नहीं, मगर पाली दे के जा रहा हूँ, पाली की डिक्शनरी दे के जा रहा हूँ। 16वां वॉल्यूम है, इसको कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे, सीखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा जो हमारा असली शब्द है वो समण है। यानी हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग नहीं हैं। कोई कहता हो कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, या हमको कहते तुम तो श्रमण हो, तुम तो श्रमिक हो, तुम तो श्रम करो। अरे भैया, हम तो राजा हैं, हम तो सम्राट अशोक हैं, हम तो जीवक जैसे डॉक्टर हैं, हम तो अनाथ पिंडक जैसे व्यापारी हैं, हम तो सेनापति हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सेनापति हैं, हम क्या नहीं हैं? और हम पढ़े लिखे कितने हैं? 84,000 पत्थर की किताबें हमने लिख डाली, तो लिखने वाले तभी तो लिखेंगे जब पढ़े हुए होंगे, और वो लिख डाली है तो पढ़ेगा कौन? तो हम ही तो पढ़ेंगे। यहाँ कौन से अफ्रीका से लोग आए हुए हैं जो वो पढ़ेंगे? तो हम ही पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले हम, लिखने वाले हम, तो यहाँ रेशम बनाते थे, यहाँ रथ बनाते थे, यहाँ तीर कमान बनाते थे, यहाँ तलवार बनाते थे, तो वो सारी इंडस्ट्री किसकी? हमारी। तो बनाने वाले इंडस्ट्रीज कौन? हम थे। इंजीनियर कौन? हम थे। तो उसे बेचता कौन था? हम ही तो बेचते थे। तो व्यापारी कौन? हम। हमारा अनाथ पिंडक, जो जिसको सुदत्त बोलते हैं, अनाथ पिंडक बोलते हैं, दुनिया में फेमस है। भगवान बुद्ध के लिए जब एक विहार बनाने की बताई, जमीन खरीदने की बात आई, तो दुनिया की सबसे महंगी जमीन खरीदी, सोने के सिक्के बिछा के जमीन खरीदी। आज तक इतनी महंगी जमीन नहीं दुनिया में कोई, जब उस समय खरीदी 2600 साल पहले। तो हमसे बड़ा व्यापारी कौन? तो हमारे संघ से ज़्यादा अच्छा व्यक्ति कौन? क्योंकि हम ही तो थे जो 5 सील पर चलते थे, ना चोरी करते थे, ना पाप करते थे, ना चकारी करते थे, ना व्यभिचार करते थे, ना शराब पीते थे, ना हत्या करते थे।
ऐसा शुद्ध और शुद्ध आदमी, शुद्ध को बाद में शूद्र कहने लगे वो लोग, पाली बता दी हम शुद्ध आदमी हैं, शुद्ध को शूद्र कहने लगे, वो हम हैं। तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। तो ये जो श्रमण संघ है ये कोई नया शब्द नहीं है, और ये दुनिया अपने किसी शब्द को पहचान कराने के लिए अरबों रुपया खर्च करती है, अरबों। आज आप यहाँ चार आदमी कोई संगठन बना लीजिए, कोई पार्टी बना लीजिए, कोई ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप का उस पार्टी का प्रचार करने के लिए, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए आपको अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा। लोग अपना फोटो लगाते हैं, अपना चिन्ह लगाते हैं, अपना बात करते हैं, अपना मीडिया खरीदते हैं, तब जाके वो बात दुनिया में पहुँचती है। और आपकी बात तो दुनिया में पहले ही पहुंची हुई है, और दुनिया मानती है कि ये संघ जो है ये बुद्ध का संघ है, श्रमण संघ है, बुद्ध से पहले का संघ है। और इसके मालिक कौन है, इसके मालिक कौन है, इसके मालिक सारे सारे हम संघी हैं, श्रमण संघी हम मालिक हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास, क्योंकि पहचान के लिए आदमी अपनी पूरी जिंदगी दे देता है। कोई कुछ पढ़ा हो लिखा हो तो पहचान उसकी हो जाए, और यहाँ तो पहचान हमारी, हमारे बुद्ध ने और बुद्ध से पहले हमारे बाप दादाओं ने हमको दे रखी है, जिसको दुनिया जानती है। बस कहना ही तो है, बस उसकी प्रैक्टिस ही तो करनी है कि हम संघी हैं, हम श्रमण संघी हैं और संघ हमारा है। तो यहाँ बहुत सारे साथी नए आए होंगे आज, जो ये सोच रहे होंगे कि ये जो श्रमण संघ है या विदा पीपल है, ये भी कोई संगठन वंगठन ही है। इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पाते। कारण क्या है कि जो संघ था उसे तो कोई और ले गया, और उसने कभी हमें ये बताने नहीं दिया कि संघी तो हम ही हैं, वो खुद संघी बन गए, जबकि संगी तो हम हैं। तो जो हमारा संग ले गया वो तो आपको जिंदगी में कहेगा नहीं कि आप संगी हो, आप श्रमण संगी हो। तो हम मजबूरी में क्या छोटे 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 इकट्ठे होने की तो बीमारी बहुत पुरानी है हमारी। और कोई ये कहता हो कि हम कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो वो उससे कहना कि 2 अप्रैल 2018 के फोटो देख लिया करें, ये तो लेटेस्ट बात है, हम तो बहुत पहले से इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो हम तो इतनी तेजी से और बिना मोबाइल के और बिना चीज़ों के इकट्ठे हो जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इकट्ठे होने की कला ही हमारे पास है, और किसके पास कला नहीं है। तो हम तो पैदाइशी श्रमण संघी और पैदाइशी इकट्ठे लोग हैं, और 2 अप्रैल को हमने इसका प्रमाण दिया है इस बात का कि हमें किसी नेता ने कॉल नहीं किया, हमें किसी पार्टी ने कॉल नहीं किया, हमें किसी संगठन ने कॉल नहीं किया, हमें किसी ने लिख के नहीं भेजा, हमें कोई तार चिट्ठी नहीं आई। बस हमें ये पता चल गया कि हम खतरे में आ गए हैं और हम इकट्ठे हो गए। तो ये पता चलते ही खतरे में आ गए, सारे सड़कों पर आ गए, सारे इकट्ठे हो गए। ये दुनिया की अद्भुत घटना है। दुनिया के इतिहास में इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए या तो पुराना काम होना चाहिए जो हमारे खून में है, और या फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है, तब लोग आते हैं। तो हमारा पुराना काम है इकट्ठा होने का। इसलिए जिन्होंने ये कहावतें बनाई है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उनको 2 अप्रैल के फोटो दिखा दिया करो भाई, कि देख वो जो कहावतें तूने बनाई है तो अपने पास रख, हमारे पास तो इकट्ठा होने की जन्मजात कला है, जन्मजात कला है, पुरानी कला है। तो हम दुनिया के सबसे ज़बरदस्त इकट्ठे होने वाले लोग हैं, और संघर्ष करने वाले लोग हैं, और राजा हैं, और व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, और हम विद्यार्थी हैं, हम विश्व गुरु हैं, और हम ही अकेले विश्व गुरु हैं, और कोई विश्व गुरु नहीं है। क्योंकि विश्व गुरु की क्या खासियत होती है, विश्व गुरु की खासियत ये होती है कि उसकी बात को विश्व माने, तभी तो विश्व गुरु होगा। अब मैं यहाँ 10-20 लाख लोगों को इकट्ठा करके और यहाँ बैठ जाऊँ और यहाँ भाषण देने लगूँ, और पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा कुछ सा पहना, टोपी शोपी लगा के 2-4 चेले चपाटे, और मेरा प्रचार होने लगे कि मैं विश्व गुरु हूँ, या हमारे एक गौतम जी का प्रचार होने लगे, या हमारी किसी बहन का प्रचार होने लगे, तो वो विश्व साध्वी या विश्व गुरु नहीं बनते। उससे उसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सल बात होनी चाहिए, और उसको दुनिया मानती हो, और वो बात आदि से लेके अंत तक, जब तक यूनिवर्स का अंत होगा तब तक सत्य भी होनी चाहिए, और वो बात सिर्फ बुद्ध की है और किसी की है ही नहीं। दुनिया में और किसी की बात है ही नहीं सत्य, इसको पूरी साइंस मानती है, पूरा दुनिया मानती है, पूरी अमेरिका मानती है, इसलिए 350 करोड़ लोग हैं। उसी तरह बुद्ध ने तो हमें कहा था संघं शरणं गच्छामि, इकट्ठे रहना है, संघ में जाना है, और उसी बात को बाबा साहब ने माना, सबने बताया। अब तो इस बात को मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार बहुत सारे श्रमण संघी परिपक्व हो गए। आज जो भी बोले हैं बड़े मजेदार बोले और बहुत बढ़िया बोले, और अगली बार जब मीटिंग होगी तो मैं कहीं और हूँगा और बाकी सब अब चलेंगे, और ये भी लोग सब बाहर जाएंगे। अब हम बहुत तेज़ी से, क्योंकि संघ का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, जन्म जाते बस जरा सा हमें बटन दबा दे, हमारा कोई बस बटन दबाते आ जाता है, क्योंकि इकट्ठा होना तो हमारे खून में है और इकट्ठे होंगे। तो यहाँ जो कुछ नए साथी आज आए हैं वो ये सोच रहे होंगे जो पहली बार आए हैं कि ये भी कोई संगठन है, हालांकि सबने क्लियर कर दिया है कि ये संघ अलग है और संगठन अलग होता है। फिर भी कुछ बारीक बारीक बातें हैं
जिनसे ये क्लियर हो जाएगा कि ये संघ क्या होता है और संगठन क्या होता है। दरअसल संघ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि वो सबके लिए बहुत बढ़िया होता है। अब चूंकि यहाँ समणी लोग रहते थे, पहले तो समण संघ ही था, बाद में फिर बम्मण भी आ गए, वो ले गए तो अब दो हो गए हैं, यानी एक बम्मण का संघ है एक हमारा संघ है। तो संघ में सभी लोगों की बराबर की भागीदारी रहती है, संघ में सभी की चलती है, और संघ दो नहीं बन सकते भाई, ये ध्यान रखना। संघ एक ही रहता है, और संघ से जो विश्वासघात करता है वो संघ घातक होता है, और उसकी जो सजा होती है वो होती है जो सिद्धार्थ गौतम को मिली थी। सिद्धार्थ गौतम को बाबा साहब लिख के गए ना, सिद्धार्थ गौतम ने संघ की बात नहीं मानी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हालांकि युद्ध ना करना अच्छा था, मगर संघ का फैसला था कि युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कोलिये पानी लेके जा रहे हैं बार बार और हमारी फसलों को पानी नहीं मिल रहा है। तो संघ ने कहा युद्ध होगा, सिद्धार्थ गौतम ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, तो गर्भ सजा होगी। तीन सजाओं में से एक सजा चुनी और संघ ने सजा दी और उन्होंने मानी और वो संघ से बाहर हो गए, उनको देश निकाला मिल गया। इसलिए संघ की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो संगठन का क्या होता है फिर? संगठन दरअसल छोटे छोटे लोगों का ग्रुप होता है, कुछ एक उद्देश्य होता है उनका छोटा ग्रुप, और उस उद्देश्य के लिए बहुत सारे संगठन होते हैं। जैसे राजनीतिक उद्देश्य है तो राजनीतिक उद्देश्य के छोटे छोटे ग्रुप हैं, किसी ग्रुप में 1,00,000 आदमी हो सकते हैं, किसी में 1,000 हो सकते हैं, किसी में 500 आदमी हो सकते हैं, किसी में 3 आदमी हो सकते हैं, मगर राजनीतिक ग्रुप हैं बहुत सारे। यानी हमारे जो समण लोग हैं उनके उद्देश्य के लिए राजनीतिक ग्रुप बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, तो वो संघ नहीं है क्योंकि वो संगठन है। ऐसे जो आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है, कोई चिटफंड का काम कर रहा है, कोई अपनी कमेटी चला रहा है, कोई इकट्ठा करके दुकान खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वैसे ही लड़कों के दलबल हजारों हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जगह हजारों लड़कों ने दलबल, सेना, कमांडर, संगठन और शक्ति दल, और ये भीम दल, भीम सेना, ये बहुत सारे दल हैं, ये हजारों है। अच्छा, काम एक होता है उनका, उद्देश्य तो एक होता है मगर उनके टुकड़े बहुत होते हैं। वैसा ही सामाजिक टुकड़े हमारे हो रखे हैं, सामाजिक संगठन हमारे बहुत हैं, 29,00,000 बताए जाते हैं टोटल रजिस्टर्ड हैं और 4,00,000 एक्टिवेट हैं, और वो सारे क्या कहते हैं, समाज का हमें भला करना है, समाज का भला करना है। तो उन संगठनों के अंदर एक सर्वोपरि व्यक्ति को वो मानते हैं। ये संगठन में और संघ में अंतर बता रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ जाए जब आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आपसे हर एक व्यक्ति पूछेगा अरे ये भी एक संगठन है तो संघ क्या होता है, तो बारीकियां सीख लेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे और बताने में आसानी रहेगी, फिर संघ में समझने में आपको, क्योंकि आपके खून के अंदर है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो वो जो सामाजिक संगठन है जो बहुत सारे हैं, जो संगठन है उनके अंदर, या जो राजनीतिक संगठन है, या जो लड़कों के दलबल हैं, या जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, या महिलाओं के हैं, उनमें एक प्रधान होता है। उस प्रधान ने अपना एक महासचिव बनाया होता है, एक कैशियर बनाया होता है, कुछ उसने सचिव वगैरह बनाए होते हैं, और बाकी लोगों को कहता है कि बाकी लोगों को जो हम फैसला करेंगे वो मानना होगा। और यही मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति कहती है एक राजा होगा, एक उसका जो पूरा वो होता है महासचिव होगा, जिसको हम महामंत्री बोलते हैं, महामंत्री होगा, कुछ दरबारी होंगे जो सचिव हैं, एक उसका सेनापति होगा, एक उसका कोषाध्यक्ष होगा, और राजा जो कहेगा वो सबको मानना होगा। बस जो राजा है उसको सारी बातें माननी पड़ेंगी, और राजा का काम सिर्फ इतना है कि वो अपने खर्चे के लिए लगान लेगा। पहले लगान होता था, फसल का हिस्सा लेके जाते थे, फिर पैसा लेने लगे, और जो नहीं देगा उसको कौड़े लगेंगे, सजा मिलेगी, और अपील कहीं है नहीं, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई लोकसभा है, ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई संविधान है। हमारे संगठनों का तरीका और मनुस्मृति में जो राजा का तरीका एक सा है, मगर हमारे संगठनों को ये बात पता नहीं चली। दरअसल उन्होंने बाबा साहब का अध्ययन तो खूब किया, और बाबा साहब ने कहा कि संगठित होना है, तो उन्होंने संगठन बना बैठे। अच्छा, शुरू में तो संगठन बनाए थे उन्होंने बहुत अच्छी मनसा से कि काम करेंगे, काम हुए भी, फिर बाद में संगठनों में झगड़ा होने लगा, बीच का पद लेके, पोस्ट लेके, प्रधानी को लेके, पैसे का बंटवारा लेके, कुछ लोगों ने पैसे इधर उधर खर्च कर दिए, फिर हिसाब नहीं दिए, लोगों का विश्वास टूटता गया। मगर हमें समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में आया करें क्या, क्योंकि सबको ये था कि भाई संगठन ही हमको बेड़ा पार करा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे जो विचार है वो भी कहते हैं जी कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, संगठन नहीं बनेगा, तब तक हम जीत नहीं सकते, संगठन तो चाहिए। मगर संगठन अब बनाते जा रहे हैं तो जीत क्यों नहीं रहे भाई? संगठन एक है, दो है, तीन है, जितने ज़्यादा संगठन है उतनी जल्दी जीतना चाहिए ना, ज़्यादा संगठन है तो जल्दी जीतें। जब शर्त ये है कि संगठन होगा तो जीतेंगे, तो ज़्यादा संगठन होने से जल्दी जीतना चाहिए। तो 29,00,000 संगठन बने तो एक दिन में फैसला हो जाना चाहिए,
एक दिन में सारी चीज बात बन जानी चाहिए, मगर 29 लाख संगठन और 4 लाख एक्टिव हैं। 4 लाख आदमी आज तक आपने इकट्ठे नहीं देखे होंगे उनके, कभी मैंने तो देखे नहीं। 4 संगठनों के भी नहीं इकट्ठे होते, 2 के भी नहीं इकट्ठे होते, क्योंकि उनके उद्देश्य बड़े छोटे और वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा बोलते हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच बोलते हैं, एक दूसरे को गाली गुप्ता करते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं और लोगों को तोड़ते हैं। और जातियां भी यही काम करती हैं, जातियां भी छोटी बड़ी हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच करती हैं, एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, एक दूसरे के आने जाने से रोकती हैं, और संगठन भी यही काम करने लगे तो दोनों का व्यवहार एक सा हो गया। तो संगठनों से जो परिणाम आना चाहिए था हमारे दुख दर्द दूर होने का, हमारे सारे जो बाबा साहब अधिकार लेके आए थे उनको आगे बढ़ने का, मैं अधिकार खत्म होने की बात नहीं कर रहा, सारे संगठनों ने यह कहा था कि आपके सारे अधिकार बढ़ाएंगे और अधिकार वहीं के वहीं रहेंगे, मगर हुआ इसका उल्टा कि संगठन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे अधिकार सारे चले गए और सारे अधिकार खत्म हो गए। तो ये बात तय हो गई, इसको कोई माने ना माने, कि संगठनों से एक जागृति तो दी आई है कि लोगों को बाबा साहब का पता चला, बुद्ध का पता चला, ज्योतिबा फुले का पता चला, पेरियार का पता चला, जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनसे कुछ ना कुछ पता चलता है, मगर लाभ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। मतलब जो अधिकार जो वास्तविक हमें फायदा होना चाहिए था, जागृति तो आई, मगर जगे हुए आदमी के पास में रोटी नहीं आई, जगे हुए आदमी के जो कपड़े वो भी उतर गए, जगे हुए आदमी की नौकरी चली गई, उसका प्रमोशन चला गया, यानी कि जागृति जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे गरीबी आती जा रही है, वैसे वैसे मुसीबत आती जा रही है। तो भाई ये जागृति कैसी है, ये कैसा काम हो रहा है कि जितना जितना हम पैसा देते जा रहे हैं, जितना जितना हम आंदोलन करते जा रहे हैं, जितने जितने हम संगठन बनाते जा रहे हैं, जितने जितने हम जय जयकारा करते जा रहे हैं, जितने जितने हम नारे बोलते जा रहे हैं, उतने उतने हम गरीब होते जा रहे हैं, उतने उतने परेशान होते जा रहे हैं। ये समस्या बहुत विकराल समस्या है और इसको कोई संगठन का आदमी नहीं बोलेगा। भाई संगठन का आदमी तो ये कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ ना, पूरी जिंदगी लगा दी मैंने, बाल सफ़ेद हो गए मेरे, और देखो मैंने क्या क्या कमी छोड़ी है। हर साल मैंने 14 अप्रैल मनाई है, हर 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर आ रही है ना, हर 6 दिसंबर को गया, बुद्ध का जयंती मनाया, ये भी किया, वो, कोई कमी छोड़ी तो बताओ। तो हम भी कहते हैं इसने कमी तो कोई छोड़ी नहीं, ये तो पूरी ताकत से लगा रहा है, और जब ये बोलता है तो ऐसा चीखता है कि आर पार बात हो जाती है, और इसका तो कमाल का फोटो आता है, कमी तो कोई है नहीं, फिर हम क्यों गरीब हो रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है। तो समझ में आया कि बाबा साहब ने कहा था ऑर्गेनाइज, अंग्रेजी में कहा, क्योंकि बाबा साहब सारी बात अंग्रेजी बोल के गए थे, अंग्रेजी में इसलिए बोल के गए थे कि उनको पहले पता था कि ये बदल देते हैं बात को, तो उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर थी क्योंकि मराठी थे, तो अगर हिंदी में लिखूंगा तो पता नहीं क्या 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 हो जाए, तो अंग्रेजी में लिखो, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी आती नहीं, तो मेरे बच्चे बाद में अंग्रेजी को सही समझ लेंगे, मगर बच्चे थोड़े गड़बड़ कर गए। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संघ, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े जो केंद्र में इकट्ठे होते हैं, और उन्होंने समझा कि ऑर्गेनाइज का मतलब, उनको समझा दिया वो किसी ने कि ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठन, और लगे धड़ाधड़। बाबा साहब की बात तो पूरी मानी मगर समझ नहीं पाए, गड़बड़ हो गई, तो नुकसान हमारा हो गया इसलिए क्योंकि हम टुकड़ों में खुद बटते चले गए, और इस टुकड़ों को बटने की पहल किसी संगठन ने की नहीं, और ना ही उसने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे संगठन में कोई बना, संगठन हुआ, वहाँ 2 फूल मालाएं उसके गले में पड़ गई, बीच का माइक मिल गया, लेक्चर मिल गया, कुछ बोलने को मिल गया, तो घर आता तो कहता है कि आज तो कुछ लोगों ने मुझे सुना, भाई आज तो मज़ा आ गया, मेरा भी कुछ वजूद है, मैं भी कुछ हूँ। भाई तेरा वजूद तो ठीक है, तेरा अस्तित्व तो ठीक है, पर हमारे समाज के वजूद का क्या हुआ, वो तो पूरा ख़त्म हो गया, वो तो गड़बड़ हो गई, वहाँ तो हम सारे पिट रहे हैं, सारे मर रहे हैं। उस चक्कर में भी वो संगठन आपस में बात नहीं करते, कह रहे तू भी ठीक और हम भी ठीक, तू भी माला पहन और हम भी माला पहने, तू भी पैसा इकट्ठा कर ले, हम भी पैसा इकट्ठा कर लें, तू उधर बाबा साहब का बर्थडे मना, मैं इधर मनाऊं, और मरण दिन भी अलग अलग मनाएंगे भाई। तो बाबा साहब ने तो कहा था कि सबको इकट्ठे होना है, मगर इकट्ठे होने के नाम पर ये इकट्ठे होने का अजीब सा मामला हो गया, जिसको समझ में नहीं आता कि इकट्ठे हो रहे हैं या टूट रहे हैं, मतलब टूट गए हम या इकट्ठे हो गए, ये समझ में नहीं आता। भाई से भाई को लड़ा दिया, कास्ट से कास्ट को लड़ा दिया, जो कास्ट बाबा साहब इकट्ठा करके गए थे वो फिर दोबारा से खोल दी, कास्ट पर गर्व करने लगे, तो समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं हम। और इसको संगठन का नेता क्यों नहीं बोलता भाई, क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उसका वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। अगर वो ये कहेगा कि संगठनों से नुकसान है या संगठनों से फायदा नहीं है या सबको इकट्ठा होना चाहिए, बिना इकट्ठे तो वो सबसे पहले खत्म होगा, इसलिए खत्म होना कोई चाहता नहीं। तो समस्या बड़ी विकट आई, तो कुछ संगठनों को इकट्ठा किया, उनसे बात की, उनसे कहा इकट्ठे हो जाओ, सारे आए, दिल्ली में किया था, सारे आए, सब ने कहा कि बात ठीक है, हमको इकट्ठा होना चाहिए। फिर उनकी छुपी हुई इच्छा थी, भाई इकट्ठे तो हो जाओ, नेता मैं रहूँगा तुम्हारा। हर आदमी की इच्छा ये है कि नेता मैं रहूँगा तुम्हारा, भाई हम तो कहते कोई नेता बन जाओ, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम डिसाइड तो करो, तुम तो फैसला करो। वो फैसला नहीं कर सकते, वो कहते हैं
आप सब फैसला करो कि नेता एक रहेगा और मैं रहूंगा। हम कैसे फैसला करें? हम तो कहते हैं भाई तुम सब हमारे नेता हो, तुम ही फैसला कर लो और एक हो जाओ, तो बात नहीं बन रही है। तो ये हुआ कि भाई हम आपस में अपना बच्चों को बचाएं और हम खुद इकट्ठे हो जाएं। तब ये जो समर संघ का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पीछे गए तो पता चला बुद्ध भी तो समर संघी थे, उस समय कैसे काम चलता था, तो सारा कुछ तो बाबा साहब ने बताया हुआ है, एक एक चीज बताई हुई है, एक एक चीज है उसमें लिखी हुई जो त्रिपिटक है, कैसे संघ चलता था, क्या संघ था, क्या फायदा था, कैसे हुआ। संघ कभी भी पैसे नहीं लेता था, लोग अपना खाना लेके आते थे। संघ कभी भी एक व्यक्ति फैसला नहीं करता था, सारे मिलके फैसला करते थे और बहुमत से होता था, और जो फैसला हो गया उस पर सबको चलना पड़ेगा, अलग नहीं जा सकता कोई। मतलब यहाँ जैसे हम 200 आदमी बैठे हैं, 300 आदमी बैठे हैं, और 300 आदमियों में से 151 आदमी एक फैसले पे मोहर लगा दें तो 149 आदमियों को मानना पड़ेगा, वो अलग नहीं जा सकते, और वो अलग संघ भी नहीं बना सकते। वो ऐसा नहीं है कि वो अलग संघ बनाएं, वो फिर संघ नहीं होगा, वो फिर तो वो संघ घात होगा। क्योंकि आप जितनी बहस करनी है यहाँ करो, आपका जो तर्क है, जो वितर्क है, आप अपनी बात यहाँ रखो, और अगर आपके तर्क में दम नहीं है तभी तो बहुमत आपके साथ नहीं है। जब बहुमत आपके साथ नहीं है, आपके तर्क में दम नहीं है, तो आप अलग जाके भी क्या करोगे? तो ऐसे लोग जो बहुत जल्दी नेतागिरी में हैं, बहुत जल्दी जिनको MP MLA बनना है, जिनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा काम करना है, उनको लगता है यहाँ तो सबकी बात माननी पड़ेगी भाई, और हमने तो जिंदगी भर अपनी बात मनवाई है, और कहते हैं नहीं, ये भी नेतागिरी हो रही है। अब इसके परिणाम आने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समर संघ का काम आगे बढ़ रहा है इसके परिणाम आने लगे हैं, तो कहते हैं अरे ये नेतागिरी कर रहे हैं। तो नेता का नाम बताओ, तो नेता का नाम तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नाम नहीं होता, तो कह नेता का नाम कहाँ से लाएँ? कह रहे नहीं, इनका कुछ बड़ा प्लान है, ये कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करने वाले हैं। तो साफ कह दिया है कि भाई पैसा तू तो हमें दे ही मत, और तेरे से भी कोई हमारे नाम पे पैसा मांगने आए, वी द पीपल के नाम से मांगने आए समर संघ, तो उसकी कुटाई करियो, पिटाई करियो और FIR बंद करा दियो, तो पैसे का मामला भी खत्म हो गया। तो कह रहे नहीं, इनका कुछ छुपा एजेंडा है। अरे भैया छुपा नहीं है, वो है संघ शक्ति, साफ लिखा हुआ है संघ में शक्ति होती है, बिल्कुल खुला है, दुनिया चल रही है इस पे। मुसलमानों ने अपना संघ बनाया तो बुद्ध के बाद बनाया, क्योंकि 14 साल पुराने हैं वो। ईसाइयों ने अपना संघ बनाया तो बुद्ध के बाद बनाया, क्योंकि 2000 साल पुराने हैं। सिखों ने अपना संघ बनाया, बाद बनाया, 5 साल पुराने हैं। और भारत में जो संघ चलता है 100 साल पुराना है, बुद्ध के बाद बनाया, बुद्ध से पहले तो कोई संघ नाम ही नहीं है, नाम ही हमारे पास है, इसके तो मालिक ही हमें, हिस्ट्री हमारे पास है, इसकी तो हिस्ट्री हमारे पास है। तो इसलिए सब लोगों ने सब फायदा उठाया, और जो जो चले गए वो मजबूत होते चले गए। 2 करोड़ सिख हैं, और कनाडा पूरा कब्जा कर लिया है, 2 करोड़ है, बस इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि मुसीबत आपके साथ होते हैं सब। जो उनका सरदारों का जो उनका नियम है, जो खालसा चलता है, उसमें जो कहते हैं वो कह दिया, और अगर कोई संघ का नियम नहीं मानता तो उनके पास में बल्लम भी है, पूरा। तो आप ये मत समझना कि बुद्ध ने दिया नहीं कहता, बुद्ध ने हमारी स्वतंत्र की सप्तक दंड है, नियम में लिखा हुआ है, सप्तक दंड रख सकते हैं, और जो हमारे बाबाओं के पास दंडे मिलते हैं, साफ कहा है, अगर है संघ को खतरा है, जंगल में जा रहे हो कोई आदमी तो 11 प्रकार का हथियार इस्तेमाल करने के लिए दिया है, करने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो दूरदर्शी व्यक्ति हर चीज का इलाज देके जाते हैं, मगर हमें ये कह दिया नहीं, करुणा ममता भाईचारा हमारे परिवार के लिए तो ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको अपने परिवार में तो करुणा मैत्री भाईचारा मुदिता से इस्तेमाल करनी है, ये तो हमारा परिवार है। यहाँ नहीं, यहाँ सत्ता दंड का इस्तेमाल नहीं करना भाई, कभी आपस में करना शुरू कर दो, ये तो दूसरे के लिए है, जो संघ से बाहर है और जो संघ में घात करे, संघ को तोड़े, संघ के लिए कुछ आए, ये उसके लिए है। तो ये सारी बातें टोटल बहुत पुरानी हैं, बाबा साहब ने बताई। बाबा साहब अगर 2-3 साल और जीवित रह जाते तो आज हमको ये एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, काम हमारा वो करके जाते पूरा, मगर नहीं करके गए, प्रगति है। तो वो काम 70 सालों में जो हमारे महापुरुषों ने किया, अच्छा काम किया, अगर संघ दे जाते हमको एक तो और बढ़िया हो जाता। कारण क्या है कि कोई छोटा ग्रुप होता है, कोई बड़ा ग्रुप होता है, जैसे मान लो 4 लाख लोगों का कोई ग्रुप है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो लड़कों का दलदल बल है, वो जो निर्णय करते हैं उसके ऊपर कौन है? वो सामाजिक निर्णय तो है नहीं, वो उनके 2-4-5 लोगों ने निर्णय किया है। तो समाज का अगर निर्णय नहीं होगा तो समाज साथ नहीं आता उसमें। अगर आप इंडिविजुअल निर्णय करोगे, अभी यहाँ कोई संगठन ग्रुप बनाओ, उसमें को हम ये मेरा जो रिश्तेदार है, ये महासचिव है, ये लोगों ने ऐसे बनाए हैं, पहले उन्होंने अपने रिश्तेदार उसमें डाल लिए हैं,
तो समाज उनको जानता है, इसलिए समाज उसमें बात नहीं करता। तो संघ में और संगठन में ये बारीक अंतर है कि संगठन छोटे छोटे होते हैं, एक ही काम के हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं एक ही काम के, पार्टियां हजारों हो सकती हैं, लाखों हो सकती हैं, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, मगर संघ एक ही होता है। अच्छा, ये जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं ये सब संघ के मेंबर हैं। दुनिया में जो आदमी इस संघ में जहाँ पैदा हुआ है, समर संघ में पैदा हुआ है, वो समर संघ का पैदाइशी मेंबर होता है। इसकी मेंबरशिप किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब संघी हैं, सारे मेंबर हैं। जो इनके रिश्तेदार हैं वो सारे समर संघी हैं, समर संघ के मेंबर हैं। जो उनके रिश्तेदार हैं वो सारे समर में पैदा हुए हैं, वो भी समर के सदस्य हैं। और कोई फीस नहीं है इसकी, कोई पैसा नहीं है कि कोई कार्ड नहीं बनता यहाँ कोई, क्योंकि पहले भी नहीं बनता था। आप पैदाइशी जैसे भारत का नागरिक भारतीय है, वैसे ही जो समर समाज में पैदा हुआ है वो समर संघी है, उसका मेंबर है। इसलिए ये कहना कि जी मैं तो विदा पीपल के साथ हूँ या नहीं हूँ, या मैं समर संघ के साथ हूँ नहीं हूँ, वो कहता रहे, कोई मना करता रहे, देखो कोई कितना भी आदमी कितना ही बड़ा है वो इसका मेंबर है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग जो ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं वो एक्टिव मेंबर हैं। एक्टिव का मतलब है क्रियाशील मेंबर हैं, काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। यही काम है लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना और लोगों को बताना कि हम सब एक ही परिवार में इकट्ठे हैं। और जो लोग अभी जिनको हम समझा रहे हैं वो निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं, उनको बताना है, उनको समझा रहे हैं, वो एक्टिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे जो क्रियाशील लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे दुख दर्द दूर होते जाएंगे। क्योंकि कल मीटिंग में लंदन के 4-5 लोग थे, अमेरिका के भी लोग थे, उन्होंने ये पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, करेंगे क्या। भाई संघ का उद्देश्य तो एक ही है, पहले भी एक था और अभी भी एक है, सुख चाहिए भाई, सुख चाहिए, सुखी होना है, यही उद्देश्य है। और इस सुखी होने का एक ही रास्ता है, जो बुद्ध ने बताया, जो बाबा साहब ने बताया, जो कबीर साहब ने बताया। कुछ ना हो हमारे पास चिंता मत करना, क्योंकि पहले कोई PhD नहीं था, कोई बार्ट लॉ नहीं था। बाबा साहब तो बाद में बार्ट लॉ हुए हैं, PhD बाद में हुए हैं, कबीर साहब PhD नहीं थे, बुद्ध PhD नहीं थे। तो ये मत सोचना कि कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए। हमारी तो शिक्षा ही बंद करनी है इसलिए कि हम पढ़े ना, मगर पढ़ना चाहिए। मगर ना भी पढ़ा लिखा हो तो दिक्कत नहीं है, पैसा किसी के पास हो या ना हो तो दिक्कत नहीं है, रोटी खाने को हो या ना हो तो दिक्कत नहीं है, कपड़ा पहनने को हो या ना हो दिक्कत नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी है या मकान है, हवेली है, दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत है। जंगल में मरता वही है जो अकेला रहता है। जानवर के पास ना डिग्री है, ना जानवर के पास पैसा है, ना बैंक का अकाउंट है, ना उसका चुनाव का वो बना हुआ है, क्या होती है, चुनाव पत्र बना हुआ है, ना वो वोट डालता है, ना वो क्या बोलते हैं शिक्षित है, ना उसकी कोई इंडस्ट्री है, ना वो कहीं नौकर है। खाता पीता मस्त घूमता है, मगर इकट्ठा रहता है, इकट्ठा रहता है तो बचा रहता है। और जो जानवर सोचता है कि मैं तो जंगल का बादशाह हो गया, आज मैं अकेला घूमूंगा, शाम तक बादशाह ही कहीं लटकी पड़ी रहती है, खाल कहीं, हड्डी कहीं, या भूख कहीं। वो अकेले वाले जितने बादशाह हैं उनका यही हस्र होता है। अभी भारत में जो अकेले अकेले घूमने वाले लोग हैं उनके रोजगार जा चुके हैं, जो अकेले अकेले घूमने वाले लोग हैं उनकी शिक्षा जा चुकी हैं, जो अकेले अकेले घूमने वाले लोग हैं उनकी इज्जत जा चुकी है, जो अकेले अकेले घूमने वाले लोग हैं उनका सम्मान जा चुका है, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो मनुष्य की जो मौत होती है उससे उसका सम्मान, उसका खाना, उसकी इज्जत, उसका कपड़ा, उसका घर, उसकी शिक्षा, ये छीन लो, वो मर जाता है, लाश की तरह घूमता रहता है, घूमता रहे। उसको अगर जिंदा रहना कहते हैं तो मान लो जिंदा है। तो जानवर में मनुष्य में इतना ही अंतर है बस। इसलिए इकट्ठा रहना हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है, हमें जान बचानी है बच्चों की तो इकट्ठा रहना है। और ये काम हमें करना है ठीक वैसे जैसे 2 अप्रैल 2018 को हम अपने इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि अब पिटाई होगी भाई, अगर ये अधिकार नहीं बचाया तो पिटाई होगी सड़कों पे। अब FIR नहीं लिखी जाएगी, FIR का डर रहता है, जिसने बदतमीजी की है उस पर FIR लिखी जाएगी, इसलिए इकट्ठे हुए। मगर आगे का जो दृश्य है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों के सारे रोजगार जा चुके हैं, जितने सरकारी डिपार्टमेंट थे वो बंद हो चुके हैं, जितने रोजगार थे वो खत्म हो चुके हैं। इंडस्ट्री हमारे पास अब है नहीं, पहले थी। हमारे पास खेती है नहीं, पहले थी। हमारे पास राजशाही है नहीं, पहले थी। हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, सारे पढ़े लिखे थे पहले, अभी थोड़े से पढ़े लिखे हुए हैं, फिर हमको बंद किया जा रहा है, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारा शिक्षा महंगी हो रही है। भाई करेंगे क्या जब हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे पास काम नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, और जब हम खाएंगे नहीं तो हम जिंदे कैसे रहेंगे। तो जिद जो है वो जिंदा रहने की है, इसलिए हमको इकट्ठा होना है। इसलिए संगठन का और संघ का बारीक अंतर समझें। संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। बुद्ध से पहले बुद्ध के जितने लोग थे वो राजा प्रसन्नजीत आके बुद्ध के बराबर में बैठता था। वो बुद्ध राजा नहीं बने कभी, वो बैठता था, उसको कहते थे ये काम करना है,
प्रसन्नजीत वो काम करता था क्योंकि वो जानते थे कि ये संघ है, 50,000 तो टीचर थे उनके पास में, तो जब संघ हो जाता है तो राजा को कहा जाता है, कोई भी राजा बने, चाहे समर संघ में से बन जाए चाहे ब्राह्मण संघ में से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो काम करेगा। जैसे किसानों का काम हो गया, एक साल तो लगा किसानों को, मगर उनका संघ बड़ा मजबूत था। वो 30-32 लोग थे, वो सब इकट्ठे हो गए, किसान इकट्ठे हो गए, वो अभी भी नहीं हट रहे, कह रहे पूरा लेके जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए और सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि संघ बड़ा मजबूत होता है, संघे शक्ति, संघ में ताकत होती है, इसलिए हमको इकट्ठा होना है। तो कोई बड़ी बड़ी मीटिंग के चक्कर में ना रहे, जैसे आज ये तो बड़ी सभा है, इस चक्कर में ना रहे, बड़ी सभा में टाइम ज़्यादा लगता है, हालांकि पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा थोड़ा बहुत तो खर्च होता है, वो सब मिलके जो स्पोक से वो करते हैं, मगर बड़ी सभा से रिजल्ट कम आते हैं। आपने छोटी छोटी सभा निकाली है, किसे लगानी है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, भाई है, रिश्तेदार है, दोस्त है, बुआ है, भतीजी है, दादी है, दादा है, उसके ना इकट्ठे हो जाए अगर बचना है तो, इकट्ठे हो जाओ अगर बचना है, ये बात पहुंचाते रहना, इकट्ठे हो जाओ और संगठन जहां चल रहे हैं उनको बोलते रहो कि भाई आप भी इकट्ठे हो जाओ, आप भी इकट्ठे हो जाओ, तो इसका परिणाम आएगा। कैसे आएगा, जो जाट हैं वो बिखरे हुए थे हमारी तरह, जाट सारे हरियाणा में पंजाब में बिखरे हुए थे और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो एक व्यक्ति था जो LLB पढ़ के आया था, तो वो जो व्यक्ति था उसने कहा रहे जाटो इकट्ठे हो जाओ नहीं मारे जाओगे, और वो जो व्यक्ति लगातार घूम के सबको भाई इतना ही कहता था, अरे इकट्ठे हो जाओ नहीं मारे जाओगे, भाई जाटों में अकल बड़ी तेज आ गई, उन्होंने कहा रहे इकट्ठे होने को तो कह रहा है, कौन से पैसे मांग रहा है, इकट्ठे होने को तो कह रहा है, कौन सा ये हमारे सर पे बैठ रहा है, हमें तो इकट्ठा होना है, और वो तेजी से इकट्ठे हो गए, आंखों के सामने अभी की बात है, और वो इकट्ठे होते चले गए। आज सरकार किसी की रहे, वैसे भी उनकी सरकार बन जाती है, किसी की सरकार रहे उनका ना बिगड़ता कुछ भी, अब वो पढ़े लिखे बहुत गए, पहले पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो बहुत पढ़े लिख गए, अब वो हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सिख इकट्ठे होकर आगे बढ़े, अब जाट बढ़ रहे हैं। तो हमारा नंबर कब आएगा भाई, हमारा नंबर तब आएगा जब हम इकट्ठे होंगे। बाबा साहब को हम बहुत पढ़ते हैं, मगर बाबा साहब की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानने की जरूरत है। अब हमको बुद्धि ब्लास्ट नहीं करना है, बुद्धि की ब्लास्टा नहीं करनी है, हमको अपनी बुद्धि नहीं दिखानी है, बाबा साहब ने ये कहा, तू बता बाबा साहब ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, ऐसा कहा वैसा कहा, अरे नहीं ये कहा, हमको बहस में नहीं पढ़ना है, सारा काम पहले महापुरुषों ने कर रखा है, हमको अपने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आराम देना है, और ये जो हाथ पैर हैं इनको थोड़ी मेहनत करानी है, सब काम वो ऊपर वाला करके गए हैं, दिमाग का सारा काम बुद्ध और बाबा साहब पेरियार फूले ये सब करके गए हैं, हमको सिर्फ इकट्ठे होना है, इकट्ठे जितनी तेजी से हम हो जाएंगे सारा महापुरुष काम करके गए हम जीत जाएंगे, क्योंकि जिद्द है इकट्ठा होने की, जिद्द है जिंदा रहने की, और जो इकट्ठे हुए हैं वो सब जीते हैं, सब जीते हैं, एक उदाहरण नहीं कि लोग इकट्ठे हुए हों और हार गए हों, सब जीते हैं। और बुद्ध ने तो एक उदाहरण बहुत पहले भी दिया था कि जो वज्जी लोग थे वैशाली के, बड़े साधारण लोग थे हमारी तरह, और जो अजातशत्रु था वो हमला करता था और उसकी पिटाई कर देते थे, वो भाग जाता था, फिर हमला किया, फिर पिटाई किया, फिर भाग गया, फिर हमला किया, फिर पिटाई किया, फिर भाग गया, अजातशत्रु परेशान हो गया, तो उसने अपना एक वस्त्रकार मंत्री भेजा कि जाके बुद्ध से पता करो कि हम बार बार पिट क्यों रहे हैं। तो उसने कहा भाई पिट, तो वो बुद्ध के पास आए तो बुद्ध से कहा कि हमको ये बताओ कि हम बार बार पिट क्यों रहे हैं, हम तो जीतना चाहते हैं। तो बुद्ध जवाब नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो बात गंदी थी, युद्ध की बात थी, फिर भी उन्होंने आनंद की तरफ मुंह करके कहा कि जब तक वज्जी लोग वैशाली के एक साथ बैठेंगे, सन्निपात बाहुल करेंगे, सन्निचर्चर्या करेंगे, शनिवार को बैठेंगे और एक बहुमत से डिसीजन लेंगे और उस बहुमत के डिसीजन पर चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती और हमें भी नहीं हरा सकती, क्योंकि हमें यह विश्वास है कि हम पहले भी समर संगी थे और हमें इकट्ठे होने की सबसे तेज स्पीड है। हमको जो लोग नहीं होने दे रहे हैं उनमें दो लोग हैं, एक तो बाहर के लोग हैं और एक हमारे छोटे छोटे नेता हैं। बाहर के लोगों को तो बाद में देखेंगे, छोटे छोटे नेताओं को थोड़ा खुशामद करो कि भाई इकट्ठे हो जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे, तुम भी मरोगे, हम भी मरोगे, बच्चे सब मर जाएंगे, इसलिए इकट्ठे हो जाओ। और जब तक वो इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक उनको पैसे देने बंद कर दो कि भाई पैसा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, ये उनको साफ साफ बोल दो। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, वैसे तो सब पहले कवर हो चुके हैं, कोई भी अगर कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। जो भी साथी सुनते जाते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, माइक वहीं पहुंच जाएगा, वो अपना प्रश्न पूछें, जो साथी जवाब देना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, उनका जवाब दें, माइक उनके पास पहुंच जाएगा। नमो बुद्धाय जगे। हम सब संघी हैं क्योंकि हम सब समण हैं और हम सब समण संघ के हिस्सा हैं। 5 मई से जो
जो बीजा पीपल की ऑनलाइन मीटिंग थी वो शुरू हुई, धीरे धीरे करके ये कारवा बढ़ता चला गया और एक बहुत सैलाब आया अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का जो आपस में जुड़ते रहे। उसमें डॉक्टर्स रहे, टीचर्स रहे, एडवोकेट्स रहे और बिजनेस बैकग्राउंड से भी लोग रहे, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए। और जो संघ हमको बुद्ध से पहले हमारे पूर्वजनों दिया था वो बुद्ध ने आगे पढ़ाया, फिर बाबा साहब ने उसको संविधान में उतारा और वो चलता चला आ रहा है। उसको झाड़ फूक करके सारे लोगों ने सफाई करके उस संघ को वापस से निकाला और उस संघ को निकाल करके हम सबने ये डिसाइड किया कि भाई जब तक हम जो हमारी पुरानी पद्धति थी जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। और इतिहास में और छोटे टाइम का अगर पीरियड देखें तो 70 साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को मिले हुए, हम लोगों को जो संविधान मिला है उसको 70 साल हुए हैं और उन 70 सालों में संविधान ने हमारे बड़ों ने, बाबा साहब ने, बुद्ध ने, नेचर ने जो हमको दिया था हम उनके बच्चे उस सब को आगे बढ़ाने से तो रहे, उसको इतना पीछे खींच के ले गए कि अब उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, निरंतर प्रयास करना पड़ रहा है और सर्वाइवल हमारा तभी हो पाएगा जब हम निरंतर प्रयास करेंगे। 70 साल में जो जो मिला हमको कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो मिला हम उसको बचाने में असमर्थ रहे। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई और SC ST एक्ट जो हमारा एक छक्के में खत्म हो गया। हम कितने बनने का बनते हो, हम कितना कहते हो कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, एक दिन का खेल था वो हमारा जो एक हमारा फवज था वो झटके में खत्म हो गया। उसका कारण ये था कि हम एक बहुत छोटी सी बात नहीं समझ पाए, बहुत छोटी सी बात कोई बच्चे को भी समझ आ जाएगी। बाबा साहब ने 3 चीजें बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट और वो बहुत जरूरी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यहाँ जितने बैठे हैं हम सारे के सारे शिक्षित हैं, सबने शिक्षा ली है। संघर्ष को भैया इतना करते हैं हम लोग इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत एजुकेट करते हैं, एजुकेट करते हैं इतना ज्यादा हर जगह एजुकेशन मिल जाता है हमारा। लेकिन जब हमारे संगठित होने की बात आई तो संगठित होने की बात को हमने संगठन बनाना समझ लिया। हमने सोचा बाबा साहब कह के गए संगठित होना है तो हम अपने संगठन बना लेते हैं। एक भाई साहब कहीं बैठे हैं, एक कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, उन्होंने सोचा हम संगठन बनाते हैं, उन्होंने सोचा हम संगठन बनाते हैं, उन्होंने सोचा हम संगठन बनाते 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 3 हिस्सों में इकट्ठा करके गए थे SC ST OBC। उसके हमने 39 लाख टुकड़े कर दिए, संगठन बना बना के 39 लाख संगठन है। आप सोच सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम लोगों के 39 लाख संगठन है, उसके बाद भी पीछे जा रहे हैं और इतना पीछे जा रहे हैं कि वहां से वापस आने की जो उम्मीद है वो उतने ही टुकड़े में बढ़ जाती है जैसे टुकड़ों में हमारे संगठन बन जाते। तो फिर समझ आया कि क्या करना है, करना कुछ नहीं है नया, अगर नया करने जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे क्योंकि आज तक बार बार फेल ही होते आए हैं, एक बार फिर से फेल हो जाएंगे। तो क्या करना है, करना वो है जो हमारे पूर्वज हमको बताते थे, करना वो है जो बुद्ध से पहले इस देश में चलता था, करना वो है जो बुद्ध ने आगे बढ़ाया और करना वो है जो बाबा साहब ने संविधान में दिया। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती थी, तो जो हमारा प्रीएम्बल बना जो देश का बनी संविधान की और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बने और जो संविधान में जो हमको बाकी मूल अधिकार मिले और जो जो चीजें संविधान में लिखी गई हैं जो नेचर पे इक्वालिटी पे आधारित है वो सारी चीजें जब वह छोटे थे सवाल पूछते थे। आप विश्वास करेंगे बाबा साहब एक एक दिन में 70-70, 80-80 बार खड़े होकर अपनी सीट से सवालों के जवाब देते थे। संविधान सभा में इतने सवाल आते थे क्योंकि वो उन्होंने सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की, उन्होंने इस देश के हर आदमी को संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। ये नहीं सोचा कि इसको करना है, इसको नहीं करना है, मुझे समाज के लिए ही करना है या मुझे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए करना, नहीं, उन्होंने इक्वालिटी के बेस पे इस देश के हर व्यक्ति को उसमें इनकॉर्पोरेट किया।
तो उनसे इतने सवाल आते थे हर सवाल का जवाब देते थे। तो एक सवाल उनके पास आया कि बहुत सारी चीजें हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली, बहुत सारी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली, बहुत सारी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। हालांकि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, वो अनकोडिफाइड है, बहुत सारी चीजें हमने वहां से ली। तो सवाल आया ये इक्वेलिटी, भाईचारा, समता, ये सब बाबा साहब कहां से लिए? तो जब आप संविधान सभा की जो बहस है उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब ने संविधान सभा में बताया कि भैया ये जो है ये सब हमारा पुराना है, बुद्ध के समय से चला आ रहा है और उसे बुद्ध ने हमको दिया है। तो जब बुद्ध ने दिया, बुद्ध समण समाज में थे, बुद्ध संघ में थे, बुद्ध संघ से ऊपर नहीं थे, तो वो सब वहां से चला हुआ है। तो हमने कुछ नया नहीं किया, आपने किसी ने कुछ नया नहीं किया, हमने वही किया जो हमको हमारे पूर्वजों ने किया और हमको ये आगे लेके जाना है। इतने सारे टुकड़े थे बाबा साहब, तीन हिस्सों में जोड़ के गए हमको, वो तीन हिस्से बता के गए थे, वो एक में जोड़ना है, एक में तो मैं नहीं जोड़ पाया और कौन भी कर गए, लेकिन वो एक में जुड़ेगा, हम जोड़ेंगे क्योंकि हम सब संघ ही है, हम एक संघ है। और जब हम एक संघ है तो संघ में सब बराबर होते हैं, संघ में इक्वालिटी होती है, तभी इसलिए इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत एक संघ है, हम सब लोग हैं, तो जब संघ है तो सब बराबर है और सब इक्वल है। अब फिर देखा कि कैसे जुड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो जूम पे अपनी मीटिंग लगानी शुरू करी कुछ लोगों ने, और मीटिंग बढ़ते 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 और साइकिल का पहिया ऐसा घुमा कि वो मीटिंग अपने आप चलती है, लोग अपने आप उठते हैं, अपने आप अपनी बातें करते हैं और अपने आप अपनी बातें रखते हैं, अपने आप ही सारे सवालों के जवाब निकाल लेते हैं, जो समस्या आती है अपने आप ही उनके हल निकाल लेते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई डायरेक्शन को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कोई समस्या है मैं पटल पे रखूंगा, किसी और को भी समस्या है वो पटल पे रखेंगे, सब आपस में जुड़ जाते हैं। वकील इतनी तेजी से पूरे देश में जुड़े, डॉक्टर इतनी तेजी से पूरे देश में जुड़े, अब क्या होता है कि कोई आदमी बिहार दरभंगा में बैठा है और उसको मध्य प्रदेश ग्वालियर में वकील की जरूरत है, तो लोग इतनी तेजी से जुड़ रहे हैं, उसको एक मिनट में पता चल जाता है मेरा समाज भाई वहां पे कौन है। या डॉक्टर है, किसी को डॉक्टर की जरूरत है, दिल्ली में है तो आप पूछ लेंगे आपको पता चलेगा आपका समाज भाई डॉक्टर वहां पे कौन है, ये काम होना शुरू हो गया। अब ऑनलाइन मीटिंग का जब दौर चला तो ये बात आई कि हमने फिजिकल मीटिंग कर दी है, अब हमें मिलना भी तो है, ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, की बात रख रहे हैं, अब हमें मिलना भी तो है आपस में, अब हम मिलेंगे कैसे? मिलने में जो पुराने तरीके हैं मिलने के उसमें तो खर्चा बहुत होता है, एक आदमी उसमें खर्चा करता है अपनी जेब से और सबको बुलाता है और अपनी वाहवाही कराता है, अपने संगठन की वाहवाही कराता है, इधर उधर की बातें करता है और फिर कहता है अच्छा जी अच्छा ठीक है नमस्ते अब फिर मिलेंगे, वो अपनी सारी बात कह देता है, जो आदमी आया हुआ उसकी बात सुनेगा कौन? इक्वेलिटी कहां रही फिर? जिस आधार पे देश का संविधान चलता वो आधार कहां रहा फिर? तो ये तय किया कि कोई पैसा खर्चा नहीं करेंगे, वी द पीपल ना कोई पैसा लेगा ना कोई पैसा खर्चा करेगा, जमाएं घूमनी शुरू करिए ऐसी जो हमें मुफ्त में मिल जाए या बहुत कम खर्चे में हमारा काम चल जाए, वो जगाएं भी बहुत पुराने समय से आपसे शुरू होगा, जहां जाते वहां भाषा में सुनते हैं भैया रोटी बेटी का संबंध बना लो, रोटी बेटी का संबंध बना लो, रोटी का तो बनाओ। तो तय किया कि जब हम आएंगे अपनी रोटी साथ लाएंगे, जितनी हम खाते हैं उतनी लाएंगे और अपने भाई के लिए दो रोटी फालतू लाएंगे। तो जब हम खाते हैं उस खाने को बैठ के साथ में तो हमारा प्यार अपने आप बढ़ता है, हमारा प्यार अपने आप बढ़ता है, अभी रोटी का संबंध बन रहा है। तो जब ऐसे हम बार बार मिलेंगे, बार बार साथ में खाएंगे, बार बार एक दूसरे की बात करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अपने आप वो हो जाएगा जो हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग से गंदे झंडे उठाने की जरूरत नहीं है, अलग से रैलियों में हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, अलग से ये बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या हूं मैं कौन हूं। अपने संघ में बैठना है, अपने संघ के साथ उठना है, अपने संघ के साथ आना है, अपने संघ के साथ जाना है। हम सब संघी हैं और हम एक ऐसा संघ मजबूत कर लेंगे अपना जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था, कि इस दुनिया का कोई भी संघ हमको नहीं तोड़ सकता और हमारे संघ पे कोई भी हमला नहीं कर सकता। अब जैसे हम सब देख रहे हैं कि इस टाइम जो देश की हालत चल रही है उस हालत से लड़ने के लिए हमारे 29 लाख संगठन लगे हुए हैं। अरे भाई संगठन संगठन से तो लड़ेगा,
आदमी आदमी से लड़ेगा, संघ किससे लड़ेगा, संघ से कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा संघ से, संघी तो लड़ेगा। तो जब हमारा संघी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमें अपना संघ मजबूत करना है, हमें अपना संघ बढ़ाना है और हमें अपने संघ को आगे लेके जाना है। अलग अलग लोग प्रोफेशन के लोग हैं जो आपस में मिल रहे हैं, अलग अलग घर के लोग हैं जो आपस में मिल रहे हैं, और जो है वही सब इसको आगे लेके जाएंगे। और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सबको मैं बता दूं, इस संघ को जो आगे लेके जाने वाले लोग हैं ना, वो हम तो है ही, हम सब मिलके तो लेके जाएंगे, लेकिन लीडरशिप जो होगी वो लेडीज ही करेंगी, महिला ही आगे लेके जाएगी, क्योंकि घर से चलता है सब कुछ। आप जब जुड़ेंगे सब आ जाते हैं, अपने घर से निकल निकल के सब आ जाते हैं, आपने आपने आते हैं अपने बच्चे और अपनी भाई और अपनी बहन अपनी मदर को जब हम लेके आएंगे ना, तो अपने आप खींच के ले जाएंगे संघ को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबको अपने घर के साथ परिवार के साथ ना, पहले खुद को जोड़े, फिर अपने परिवार को जोड़े, अपने रिश्तेदार को जोड़े, अपने पड़ोसी को जोड़े, अपने शहर वालों को जोड़े। संघ बन गया है, संघ बढ़ता चला जाएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू एडवोकेट अभिलाष शंकर जी। हमारे देश में जो भी साथी उपस्थित हुए सभी का स्वागत है। जितने भी साथी अपने साथ जो गीता पीपल के कॉन्सेप्ट में निहित है, जो साथी अपने साथ खाना लेकर के आए हैं वो बाहर जमा करा दें, क्योंकि जो आप लेके आए हैं वो आपके हिस्से में आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, वो खाना एक साथ रखा जाएगा, उसके बाद में जब हम चर्चा करने के बाद में आपस में बैठकर खाना खाएंगे तो तब उसको खोला जाएगा। तो सारा अनुरोध है सभी साथियों से, जो भी खाना लेके आए हैं और जो नहीं लेके आए हैं किसी कारण से, निश्चिंत रहे क्योंकि कुछ साथी हमारे खाना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो वो निसंकोच रूप से ये ना समझे कि आज सूचना नहीं थी या जानकारी नहीं थी, उस कारण से नहीं ला पाए हैं, तो वो भी खाने का आनंद लेंगे सभी साथियों के साथ बैठ करके। संगठित हुए जो संघ में आए हैं, आज 2.5 करोड़ की संख्या में सरकार है, सिर्फ उनके किसी बच्चे का आप सूची करके दिखा दीजिए तो मां खाने में पार डालेंगे उसी में। जितना संगठित है, चाहे इस्लाम के लोग हो उनके ऊपर तो जुर्म अत्याचार नहीं होता, चाहे क्रिश्चियन धर्म के लोग हो उनके ऊपर कोई जुर्म अत्याचार नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों संगठित है अपने हकों के लिए सजग, चाहे सरकार उनके लिए कुछ भी करती रहे लेकिन वो जब संगठित है तो अपने अधिकार ले लेते हैं। इसलिए साथियों मैं ज्यादा वक्त ना लेते और मैं यही कि बहुत जल्दी, क्योंकि यह समय की मांग है, जो हालत हम लोगों की हो गई है इस देश के अंदर, जो जिस तरह का बुरा तब हमारे ऊपर आया है, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप गीता पीपल में आइए, भवन संघ में आइए, संघ का निर्माण करिए, जुड़ोगे तो जीतोगे, जब जुड़ोगे तब जीतोगे, जिस दिन जुड़ जाओगे उस दिन जीत जाओगे, यही हमारी जिद है कि हम जुड़ेंगे, जीतेंगे और हर अधिकार को अपने बचाने का काम करेंगे। जय रूप से वो आपको उसमें प्राइवेट में लेंगे ही नहीं, और लेंगे भी तो कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहां आपका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट लोगों की अपनी अपनी जो संस्थाएं हैं उनकी एक अपनी अपनी नीति होती है, उस रणनीति में जो हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं वो निश्चित रूप से तरक्की नहीं कर पाए। आज मैं क्योंकि काफी सामाजिक काम भी किया हूं, राजनीतिक काम में भी रहा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं गीता पीपल के ऑर्गेनाइजर जो शुरुआत किया। मेरा जय हिंद और बधाई। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं गीता पीपल में लगभग 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं, और गीता पीपल में मैंने इस बॉक्स की जिम्मेदारी मुझे किसने दी नहीं है, मैंने उस जिम्मेदारी को समझ लिया है। यही हमारा वीदा पीपल कहता है, वीदा पीपल कहता है आपको कुछ नहीं करना, किसी को जिम्मेदारी दी नहीं जाएगी, जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। अब हम सबसे पहले बात इस बात पर करेंगे कि वीदा पीपल क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। हमारे सबसे पहले जनपद की
बात करें तो हमारे जनपद में सबसे पहले अपने जनपद का उदाहरण दूंगा मैं, क्योंकि हमारे जनपद में भी एससी एसटी के शिक्षकों के बहुत सारे संगठन हैं और हमारी ही बिरादरी के लोग इन दो संगठनों में तो है ही, अन्य बिरादरियों के जो हमारे बिरादरी के लोग हैं अन्य संगठनों में भी हैं, लेकिन हम अपने जनपद में अपनी बात को उस तरीके से नहीं कह पा रहे हैं जो एक मंच पर आकर कहते। तो साथियों मेरा आपसे, बंधुओं मेरा आपसे कहने का मतलब यही है, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारत के अंदर 39-39 लाख संगठन है, हमारी बिरादरी के संगठन है वो। तो मैं जनपद की बात अगर करूं तो हमारे साथी दो संगठनों में बटे हुए हैं और हमारी ही जाति के लोग अन्य संगठनों में भी हैं, लेकिन कभी भी हमें एक मंच पर उन संगठनों ने नहीं आने दिया। अगर हम बात करते हैं उस बात की कि कभी भी हमें उन संगठनों ने मिलने नहीं दिया, अगर हम बात करें इसी भारत की तो भारत के अंदर 4 लाख संगठन है, अगर ये 4 लाख संगठन एक पैरों के तले आ जाते तो साथियों जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारा रिजर्वेशन चला गया, प्रमोशन में आरक्षण चला गया, तो साथियों वो कभी नहीं जाता। वीजा पीपल, अब हमें जरूरत इस बात की है कि जितने भी हमारे संगठन है सारे के सारे संगठन एक मंच पर आकर के काम करें, विचारधारा के साथ आकर के काम करें और उस विचारधारा का नाम है वी द पीपल। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.